हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी एक मलाई करी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक मलाई करी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 5 पीस एग को बॉईल करके और 2 पीसेस में कट के रखा। 2 चम्मच ऑयल यूज करूंगी। 1 ग्लास मिल्क, 1 बाउल हरे धनिया बारीक चॉप करके रखा, 1 बड़ा ऑनियन को लंबा स्लाइस में कट के रखा, 4 ग्रीन चिली, 2 इंच जिंजर, 4 गार्लिक और 6 पीस काजू। मसाला में 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ऑयल गरम होने के लिए रख दिया। पहले ऑनियन ऐड कर देती हूँ और हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ऑनियन हल्का सा फ्राई हो गया। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली काजू सारे मसाला ऐड कर दिया। साथ में 2 मिनट और फ्राई कर लेती हूँ। हल्का फ्राई हो गया। अभी गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा होने के बाद पीस के रेडी करूँगी। ठंडा हो गया, अभी एक ग्राइंडर का जार ले लिया, उसमें ऐड कर देती हूँ और पीस के रेडी कर लेती हूँ। पीस लेती हूँ। ऐसे पेस्ट बना लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। सेम कढ़ाई में और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, अभी जो मसाला पेस्ट बना के रखा वो ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अभी जो सारे ड्राई मसाला लिया वो ऐड कर देती हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी और जीरा पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और जो गरम मसाला लिया वो भी ऐड कर देती हूँ। सारे मसाला अच्छी तरह से मिक्स करके और 1 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। ग्रेवी के लिए जो मिल्क लिया वो ऐड कर देती हूँ। ग्रेवी में बॉईल आ गया, अभी जो बॉईल एग लिया वो ऐसे ऐड कर देती हूँ। ग्रेवी में और 5 मिनट्स कुक कर लेती हूँ। एक मलाई करी बन के रेडी हो गया। अभी जो हरे धनिया बारीक चॉप करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और सर्व कर लेती हूँ। टेस्टी एक मलाई करी बनके रेडी हो गया। ये रोटी पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।